दौर में कुछ लीक से हटकर सोचने काम करने वाले आदमी रहे हैं जिनको कि किसी फ्रेम में फिट करना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए ये प्रायः जो काम इन्होंने किया है वो फ्रेम तोड़ करके किया है। शुद्ध पारंपरिक परिवार में जन्म हुआ, संस्कृत से शिक्षा दीक्षा शुरू हुई, इसके बाद जीविका का स्रोत पाली हुआ, लेकिन अध्ययन की जहाँ बात आती है तो संस्कृत और पाली से लेकर के अंग्रेजी हिंदी में बहुत सारी चीज़ें आई, उसका इन्होंने अध्ययन किया। और सिर्फ अध्ययन इन्होंने नहीं किया, ये कागज की लेखी के साथ साथ आंखन लेखी के हिमायती हैं, इन्होंने प्रयोग किया। इस प्रयोग में योग शामिल है, योग की बहुत गहरी साधना इनकी रही है, इन्होंने इसका प्रचार नहीं किया, प्रचार करने के पक्षधर नहीं रहे, लेकिन बहुत सारे लोगों की इन्होंने गुत्थियों को सुलझाया है। सामाजिक आंदोलनों की बात की जाए तो ढेर सारे आंदोलनों में शामिल रहे हैं, गया में पानी पर हुआ आंदोलन अभी भी ढेर सारे मित्रों के दिमाग में होगा कि जब बिना किसी फंडिंग के, बिना किसी संस्था, एक संस्था का सहारा लिए, बिना किसी सरकारी संस्था का सहारा लिए, लोगों के सहायता के बूते गया शहर में 7 तालाबों का जीर्णोद्धार कराया गया। इनके नेतृत्व में एक बड़े पहिन का जीर्णोद्धार कराया गया। तो इन्होंने न सिर्फ किताबें पढ़ी, किताबें लिखी हैं, बल्कि जन आंदोलनों में भागीदार भी रहे हैं, जन आंदोलनों का नेतृत्व भी इन्होंने किया। इन्होंने वो पुस्तिका आप लोगों के हाथों में आई होगी, आएगी, आप लोग उसमें गौर करेंगे कि रविंद्र जी धर्म की विवेचना अगर करते हैं तो उस रूप में नहीं करते हैं जिस तरह के यहाँ के दूसरे लोग करते हैं। इन्होंने जो पुस्तक है, वो पुस्तिका है, उसमें एक अंश जीवन और मृत्यु का है, जिसे आप देखेंगे बहुत कुछ दार्शनिक चीज है। एक खंड उसका है जो जीवन का अर्थ और अर्थपूर्ण जीवन के बारे में है। पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि सूत्र में चीज़ों को किस तरह से इन्होंने बताया है और जीवन की गुत्थियों को खोलने का प्रयास किया है। और एक स्पष्ट करते हैं कि एक सहज जीवन के लिए, एक सुखी जीवन के लिए साधनों की कमी चल सकती है, कम साधन में भी कोई सुखी रह सकता है, लेकिन यहीं पर आकर के बाजार से लेकर धर्म से लेकर के बहुत सारी सत्ता की शक्तियाँ खड़ी हो जाती हैं और वो चीज़ों को सहज नहीं रहने देती। यहीं पर आकर के यह भी बात आती है कि अगर सुखी सहज जीवन की जरूरत है तो जीवन का रास्ता क्या होगा। इस मामले में तब ये 4 पुरुषार्थों की बात सामने आती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। क्या समय बदलने के साथ ये चीज़ें बदल गई हैं? मुझे तो नहीं लगता। समय के साथ चीज़ें प्रगति करती रही हैं, लेकिन मूल चीज़ें हमेशा रही हैं। अगर परिवार है तो परिवार के बीच का स्नेह हमेशा एक जैसा रहेगा, उसमें समय के साथ चीज़ें बदल सकती हैं, भाषा बदल सकती हैं, संबोधन बदल सकता है, लेकिन भावना का स्वरूप कमोबेश वही रहेगा जो एक दौर में रहा है। तो इसी तरह से इन 4 चीज़ों को जो एक सुखी मनुष्य के लिए जीवन का ध्येय बनाया गया है, इसकी व्याख्या इन्होंने की है, बहुत बेहतरीन व्याख्या की है। धर्म को इन्होंने आध्यात्मिक क्रियाकलापों तक, कर्मकांडों तक सीमित नहीं माना है। इन्होंने स्पष्ट कहा कि धर्म का एक अर्थ स्वभाव होता है,
धर्म का एक अर्थ व्यवस्था होता है कि आध्यात्मिक व्यवस्था से लेकर दूसरी व्यवस्था तक है, और कहते हैं कि स्वभाव हमारा अपना है, इसलिए हमें अपने स्वभाव को प्रधानता देने की भी जरूरत है। ये जरूरत नहीं है कि जूते के हिसाब से पांव काट देने की बात हो, सारे लोग एक ही चीज पर आचरण करने लगे। फिर ये डंके की चोट पर ये कह रहे हैं कि अर्थ धर्म काम और मोक्ष के संदर्भ में मुक्ति की जो बात है, तो मुक्ति सबका अधिकार है, और जैसे ही उसको सिर्फ आध्यात्मिक बना करके रखने की कोशिशें हुई हैं, तो वहाँ रविंद्र जी ने धर्म के लौकिक पक्ष को आध्यात्मिक पक्ष से अधिक महत्व दिया है। ये कहते हैं कि मुक्ति का अर्थ सिर्फ जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए ध्येय हो सकता है, लेकिन हम दूसरे बंधनों से भी मुक्ति की बात करें, हम किसी की गुलामी क्यों करें? हमारा स्वभाव आजाद रहना है, मनुष्य मात्र का स्वभाव आजाद रहना है, तो हमें गुलामी से मुक्ति हमारा ध्येय है, और ये कहीं से किसी अधार्मिक स्थिति नहीं होती है। अर्थ का इसी तरह से इन्होंने उल्लेख किया है। तो जीवन ये धर्म के लौकिक पक्ष को उसके आध्यात्मिक पक्ष से कहीं अधिक महत्व देते हैं। तो ये चीजें हैं, और फिर किसी बात को साफ साफ कहना रविंद्र जी की विशेषता रही है। ये नहीं हुआ कि किसी चीज को उलझा करके कहा जाए। रविंद्र जी इन बुद्धियों को सुलझाने का जीवन भर प्रयास करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। अगर विषयांतर नहीं होगा, अगर मैं कहूँ कि इनका एक लेख था लुंडी सुतरी साधना विधि, आप सोच सकते हैं किसी के लिए लुंडी सुतरी गृहस्थता का पर्याय हो सकता है, लेकिन इन्होंने उसे बताया कि भारतीय समाज में किस तरह से यहाँ के बुद्धिमान लोगों ने जीवन में उन चीज़ों का प्रवेश करा दिया है जो उनको मजबूत कर सकते हैं और उन्हें पता भी नहीं चले। इसी तरह से एक इनका लेख रहा है लुच्चा लंगा कर्मजली या कुछ इस तरह का। अब ये खोल करके बताते हैं कि यहाँ एक धर्म के एक हिस्से के खिलाफ अगर लोगों की भावनाएं कुछ हुई, तो कोई किस तरह से एक शब्द को गाली भी बना देता है। जैनियों के लिए लुच्चा जो है वो पूजनीय हो सकते हैं, और उसे गाली बना दिया गया। नंगा कोई रहते हैं वो उनके लिए पूजनीय है, यहाँ उसको उसका अवमूल्यन किया गया। तो रविंद्र जी की यह है कि पुरानी गुत्थियों को इन्होंने सुलझाने का प्रयास किया है, आज भी कर रहे हैं, और उसके लिए बहुत सहज सूत्र उपलब्ध कराते हैं। जरूरत है कि हम उन सूत्रों का विस्तार अपने जीवन में करें, हम इन चीज़ों को दूसरों तक ले जाएं। धर्म और संप्रदाय की अवधारणा के इन्होंने स्पष्ट किया है कि भारत में धर्म को मानने वाले प्राय दो किस्म के लोग हैं। कुछ सांप्रदायिक हैं जो एक ही धारणा को मानने में विश्वास रखते हैं, मानते हैं कि हमारे सिवा कोई दूसरा नहीं। तो ऐसे लोगों को पहले भी धार्मिक अर्थों में या सामाजिक अर्थों में सांप्रदायिक कहा जाता था। दूसरे अर्थमार्ग थे जो ये मानते रहे कि हम भी हैं दूसरे भी हैं। हम ये कैसे कर सकते हैं कि दूसरे सही नहीं है? हम अपने लिए कर रहे हैं जो चीज वो हमारे लिए सही है, तो दूसरों के लिए दूसरी चीजें भी सही हो सकती हैं। तो इस तरह से आज के दौर में उन पुरानी चीजों को नया करके सामने लाने की कोशिश रविंद्र जी करते रहे हैं। रविंद्र जी घोषित रूप से कहते हैं कि मैं मध्यम मार्गी हूँ, मैं परंपरा की अच्छी चीज़ों को क्यों छोड़ने के लिए कहूँगा या मैं क्यों छोड़ दूँ, और आज परंपरा की मैं कोई चीज़ अगर अप्रासंगिक हुई है तो उसको ढोने का क्या औचित्य रहा है? अगर नई चीज़ें अच्छी हैं तो उसको शामिल करने में क्यों एतराज़ होना चाहिए? मुझे लगता है कि
आज अपने वक्तव्य में रविंद्र जी हम लोगों को और आज जो समकालीन समस्याएं हैं, जैसे भारतीय स्तर पर कहें तो यहाँ हिंदू धर्म को इस्लाम की तर्ज पर ढालने की एक कोशिश चल रही है, सुनकर कई मित्रों को लग सकता है कि ये हार्श कमेंट है, लेकिन सच्ची हिंदू धर्म जिस किस्म का विविधतापूर्ण रहा है, जिस किस्म के यहाँ आपसी मतभेद के होते हुए भी एकता की गुंजाइश रही है, उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है। भारत में अभी जिस तरह से चल रहा है कि विरोध की आवाज़ को बंद कर देना है, भारत में जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनों को कुछ लोगों के हवाले करने के लिए उतावलापन दिखाया जा रहा है, जिस तरह से प्रकृति की उपेक्षा की जा रही है, सहज जीवन की उपेक्षा की जा रही है, तर्क को पूरा बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, भक्ति को सामने ला करके किसी की बातों को आँख मूंद करके मानना है, ये कोशिश चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख ही रहे हैं कि अभी युद्ध जैसी स्थिति बनती गई जा रही है, और ये भी दूसरी तरफ स्थिति है कि जो कुछ घराने हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए बल प्रयोग से लेकर के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। प्रसंगवश मैं भारत का उल्लेख करना चाहूँगा कि संपत्ति का केंद्रीकरण भारत में सबसे अधिक हुआ है कुछ घरानों में। यहाँ के 1% सबसे संपन्न लोगों के पास देश की 58% संपदा है। तो ऐसी परिस्थितियों में बाकी लोगों के जीवन जीने के लिए क्या प्रेरणा हो सकती है, उनको प्रगति करने के लिए क्या प्रेरणा हो सकती है, और जिस दुष्चक्र में लोग पड़े हुए हैं, जिस सामूहिक सम्मोहन का शिकार हो करके लोग अपने लक्ष्य भूल जाते हैं, उसको तोड़ने का क्या तरीका हो सकता है, इन चीज़ों पर रविंद्र जी विशेष रूप से बताएंगे और हम लोग लाभान्वित होंगे। बस इतना। बहुत बहुत धन्यवाद राजभल्लभ जी। राजभल्लभ जी, आज का जो विषय है हम लोग का समकालीन चुनौतियाँ और पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ की अवधारणा, उसके विषय में संक्षिप्त में बता रहे थे, और साथ ही रविंद्र कुमार पाठक जी का साहित्यिक सामाजिक क्षेत्र में क्या योगदान रहा है उसके बारे में संक्षिप्त में बात कर रहे थे। अब मैं आज के जो मुख्य वक्ता डॉक्टर रविंद्र कुमार पाठक जी से आग्रह करूंगा कि सभा को संबोधित करें, इसलिए जोरदार ताली में स्वागत किया। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं और मेरा अनुमान अगर गलत न हो तो शायद हम लोगों के बीच उपस्थित लोगों में एकात्मक अपवाद हो सकते हैं। सबसे वरिष्ठ व्यक्ति वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्ध दोनों मिला करके इनको वृद्ध मानना अच्छा नहीं लगेगा सुनना, लेकिन दोनों दृष्टियों से सीनियर तो है नहीं। तो मैं हमारे जितने हमसे जितने बड़े लोग हैं मैं सबको प्रणाम करता हूँ, और बाकी मित्रों को मेरी मंगल कामनाएं, सादर अभिवादन। मेरा बहुत सारा काम राजवल्लभ जी ने कर दिया, हल्का कर दिया। हल्का इस रूप में कि जो समकालीन चुनौतियां हैं, समकालीन चुनौतियों का एक लिस्ट तो उन्होंने पढ़ी थी, अब एकाध तो है नहीं,
और अगर केवल समकालीन चुनौतियों की ही व्याख्या करनी है तो उसी में बहुत समय लग जाएगा। तो बहुत कृपा की आपने कि लिस्ट पढ़ दी। सहज दृष्टि यह है कि हमें तो पता होता ही है कि चुनौतियां क्या है, ऐसा भी ऐसी भी क्या चुनौती है जो पता ना हो, और खास करके आज जो संवाद के साधन उपलब्ध हुए हैं उनके आने के बाद तो सूचनाएं भी बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं। उसमें भी अनुभवात्मक चीजें तो प्रामाणिक हैं, जेब में पैसा कम पड़ जाता है तो पैसा कम पड़ने भर की देर है, उसके बाद क्या चुनौतियां आती हैं इसको समझने में किसी बड़े तर्क की जरूरत नहीं है, और पैसा कम होना चाहिए। और मेरा सौभाग्य है, प्रकारांतर से दुर्भाग्य भी कहा जा सकता है, कि मुझे ऐसी परिस्थितियों का अनेक बार सामना करना पड़ता है, ये चुनौती दबा लेती है। अब उसमें मान लीजिए कि एक उदाहरण से मैं शुरू करूं, अभी 31 तारीख को एक फैसला आया है, बे मतलब बिना आधारित मुकदमे में यूनिवर्सिटी ने फंसा दिया, और कोर्ट को कागज दिखाने में मुझे 8 साल लग गए, असली काम मात्र 10 मिनट का हुआ होगा, बाकी सेवल केवल प्रोसेसिंग है उसकी। 8 साल लग गए प्रोसेसिंग पूरा होने में, असली काम मात्र 10 मिनट का हुआ। भाई ये आरटीआई में ये देखिए सरकार एक्सेप्ट करती है, झूठ बोल रही है, और वो कागज दिखाने में कितना टाइम लगेगा, बलबात खत्म होते 8 साल 10 साल में। अगर तनख्वाह नहीं मिल रही हो, वेतन भोगी आदमी, और इसके बाद अब उसको तर्क की क्या बताएगा कि क्या चुनौतियां होती। तो बहुत सारी जो परिस्थितियां हैं वो हम लोग भोग रहे हैं। चुनौती है कि इस तरह से एक सम्मोहन पैदा किया जा रहा है कि आप भोग रहे हैं तो पर भी सही कार्य कारण संबंध की पहचान न हो सके। भोग तो रहे हैं लेकिन इसका जो सही कार्य कारण संबंध है उसकी पहचान न हो सके, इसके लिए पूरी कोशिश होती है। उस कोशिशों में एक कोशिश यह है कि हमारे जीने और हमारे समझने के जो सहज बिंब हैं उन बिंबों में भाषा में बात न की जाए, ऐसे बिंबों में ऐसे ढंग से बात की जाए ताकि हमें समझ में ही नहीं आए। अभी कुछ दिनों से भारत में धर्म का मामला बहुत गंभीर रूप ले रहा है, पक्ष विपक्ष दोनों। जब मैं देखता हूं मैं इसमें न क्या नया है, क्या ऐसी समस्या भारत में पहले नहीं आई, तो मुझे ये बिल्कुल नया नहीं लगता ऐतिहासिक जानकारी में। केवल नया इतना है कि बीच में भी जो बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही थी वो अच्छी चीजें फिर बिगड़ने के बिगड़ने लगी हैं, और वो सिलसिला एक बहुत बड़ा झूठ वो स्थापित किया जा रहा है। झूठ ये कि धर्म जैसे जीवन में से जिसका धर्म का जीवन से एकमात्र संबंध राजनीति की कुर्सी पाना है, और दूसरा संबंध पारलौकिक मरने के बाद वाला है, मरने के बाद वाले का क्या पता चले, बड़ा मुश्किल काम है उस बहस को, मरने के बाद होता है कि नहीं होता है, कैसा होता है, क्यों होता है, वहां जाने का क्या रास्ता है, नहीं रास्ता है। ये चुनौती है कि या तो धर्म परलोक का विषय है और नहीं तो केवल राजनीति में कुर्सी पाने का विषय है, जबकि जीवन ऐसे नहीं चल रहा है, हमारा भी नहीं चल रहा है, कल से पितृपक्ष होना है,
थोड़े भी हिंदू परंपरा के लोग हैं जिनकी थोड़ी भी आस्था धार्मिकता है, किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ वो करेंगे, जिनकी नहीं आस्था नहीं भी कर सकते। हमारा, मैं गया में रहता हूँ, गया का पितृपक्ष का कार्यक्रम चलेगा, वो किसी राजनीतिक कारण से नहीं चलेगा। 15 दिन जो मेला लगेगा वो किसी, जितने लोग आएंगे जो पैसा खर्च करेंगे वो इस कारण नहीं खर्च करेंगे कि वो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट है जिससे उनको कोई तुरंत रिटर्न मिलने वाला है या कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई उनको रिबेट मिलने वाला है। वो उनकी आस्था का और सामाजिकता का विषय है। एक सवाल उठाया जाएगा एक बिल्कुल आधुनिक दृष्टि से कि साहब हम नहीं करते। मान लिया, मेरे, मैं अपना उदाहरण दूं, मेरे पिताजी का देहांत हो गया। एक दिन ऐसे ही भाषण दे रहा था, मृत्यु पर बोल रहा था और समाचार आया, बुला रखा था और बोलना था जीवन पर, और खबर आ गई कि पिताजी का देहांत हो गया। तो मैंने कहा मृत्यु पर कहिए, सामने प्रकट है समस्याएं बोल सकता हूँ, आज तो जीवन पर बोलना बड़ा मुश्किल काम है, उधर दिमाग नहीं जाएगा। ये सारी चीजें सामने, मां मेरी जीवित है, मेरी श्रद्धा हो ना हो अलग विषय है, लेकिन भाई श्राद्ध तो करना पड़ेगा। ये धर्म का मामला है। धर्म का मामला इसलिए नहीं कि परलोक होता है कि नहीं होता है, धर्म का मामला ये है कि अगर मैं यह नहीं करूं तो मेरे परिवार के सारे सदस्यों को भयानक मानसिक पीड़ा होगी। मैं ज्यादा से ज्यादा यह कह सकता हूं कि मेरी श्रद्धा का स्वरूप अलग है, और हम लोग के यहाँ कहा गया कि देवता और पितर में बड़ा अंतर है। लोग नहीं समझने को तैयार है सरलता, पितर से जो साक्षात पितर है, बाप ज्यादा लंबी लिस्ट नहीं होती। पुराने समय में आदमी की कोई कोई सौभाग्य वाले होंगे कि पर बाबा तक से तो भेंट हुई रहती है, बाबा पर बाबा, पितामह प्रपितामह। पहले कम उम्र में बच्चे बच्चियां होती थी तो एक पीढ़ी पहले वाले भी कोई कोई जिंदा रह ही जाते। तो पितर तो साक्षात वो है जिनको आपने जीवित भी देखा और फिर वो आपके सामने मर भी गए। तो उनके इसलिए कहा कि उसमें आस्था वास्था का प्रश्न नहीं है, मामला कमिटमेंट का है। यदि आपने कमिट किया, हमारे यहाँ निर्वसीयती उत्तराधिकार है, तो वसीयत करने की जरूरत नहीं है पिता को या हमारे पूर्वज को कि तब हमें संपत्ति मिलेगी। अब किसी ने, हमारे पहले के लोग हैं, अगर वो अपने ही काम के लिए पैसा जमा करके रह गए और मर गए, दादा में भी परदादा में भी संपत्ति का अधिकार, संपत्ति तो मिल ही जाता है। तो संपत्ति लेने के लिए हमारे परदादा दादा थे, और जो वो जिस काम के लिए रख गए, इन्वेस्ट करके, ट्रस्ट करके, न्यास बना के रख गए, रजिस्टर्ड नहीं घर में रख गए या कह गए, आप उसकी जिम्मेवारी से कैसे मुक्त हो सकते। यदि कोई व्यक्ति इतना हद तक नास्तिक अपने को कहता हो या जो कहता हो, हाँ, अगर ये कह दे कि उस निर्वसीयती उत्तराधिकार को त्याग करके उस संपत्ति को, और मैं अब नहीं करूंगा, तब बात ठीक है। लेकिन ये दुविधा नहीं चलेगी, प्रॉपर्टी लीजिएगा और प्रॉपर्टी जिस पर्पस से इन्वेस्टेड है वो नहीं कीजिएगा, तो ये जो जो न्यास की जो अवधारणा है वो न्यास की प्रक्रिया ही समाप्त हो जाएगी, विश्वास खत्म हो जाएगा, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, और वो श्राद्ध करने न करने से उसका कोई महत्व नहीं, कह सकते हैं हम तो नहीं, हमारे नहीं श्रद्धा है, बावजूद आपकी खुशी के लिए करते हैं। तो जो सिलसिले हैं हमारे यहाँ वो बहुत सहज ढंग से समझे गए, लेकिन हमारी जो बीच की शिक्षा हुई है हमें असली बात नहीं बताई जाती। पुरानी बात बहुत छोड़ दीजिए, मुझे आश्चर्य होता है गुरुतुल्य लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि मैं भी कुछ दिन तक यूनिवर्सिटी में सिलेबस कमेटी में अपने विषय का रहा, कोई कायदे की चीज सिलेबस में डालने की कोशिश कीजिए सारे लोग नाराज हो जाते,
ऐसी चीजें सिलेबस में रखें जिससे अगला समझदार ना हो। ऐसा क्यों पढ़ाना है कि हमारी अगली पीढ़ी समझदार हो जाए। और जब मैं इस मंडली में घूमा तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि इतने हम सारे प्रोफेसर पाती हैं, चाहे किसी विषय का, तो मैं नहीं सभी सारे विषयों का नहीं कह सकता, लेकिन कुछ हमारे बहुत सारे समाज में काम करने वाले कई मित्रगण सब उपस्थित हैं। मैं मुझे अभी नए सिरे से अमेरिका से आपको पढ़ना पड़ रहा है। किस कहीं नहीं पढ़ाया जा रहा है सिलेबस में कि अम्बेडकर साहब बड़ा से ज्यादा एक वकील थे और संविधान लिख दिया और दलितों का आंदोलन कर दिया। लेकिन जो मूल मामला है कि अम्बेडकर साहब एक बड़े अर्थशास्त्री थे, उनकी डिजाइन पर, उनकी सोच पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम कर रही है, ये तो पढ़ाया नहीं जा रहा है। उस विषय का नहीं कि क्या उन्होंने सिद्धांत रखे, मुद्रा का मामला पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। मैं मुद्राओं पर आजकल देशी अर्थशास्त्र पर काम कर रहा हूँ तो मुझे मुद्रा व्यवस्था समझ नहीं भारत की। अब होते होते हुआ कि बिना अम्बेडकर साहब काम तो नहीं चलेगा, सिलेबस पर कुछ है ही नहीं, विवरण ही नहीं है कि उन्होंने क्या सोचा। अब ये मैं इस फ्रेम को सामने रख दूं, नहीं तो सहजता में ये फ्रेम छूट जाएगा। ये चार नाम हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जो नाम होता है वो ब्रांड की तरह काम करता है। मॉडर्न आज तो वाला टर्म इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ, उपयोग में ला रहा हूँ कि आपको समझने में थोड़ी सुविधा हो जाए। नाम का मूल्य है, पाटा का जूता, पाटा एक नाम है जो बहुमूल्य होता है, जिसपे साख बनती है, नकल उसी की होती है, मिलावट उसी